अभी तक हम ट्रेन का इस्तेमाल एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए किया करते थे, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि अब इन ट्रेन्स की मदद से हम मून और मार्स तक भी जा पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जापान एक ऐसी ट्रेन को बनाने में जुट गया है जो इंसानों को चांद और मंगल तक ले जाया करेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इस स्पेस ट्रेन से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ब्रह्मांड में मिले शिव और शक्ति के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जापान स्पेस ट्रेन। जापान हमेशा से ही अपनी विचित्र टेक्नोलॉजी के लिए फेमस रहा है और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ जापानीज वैज्ञानिकों ने स्पेस ट्रेन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में जाना एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। आज हमारे पास ऐसे रॉकेट्स मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटी 100 ह्यूमन से भी ज्यादा है। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे विशाल रॉकेट है, जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क का मानना है कि वे अगले 10 से 15 सालों में इंसानों को मंगल ग्रह पर सेंड कर देंगे। अब यह सुनने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्स तक जाने में ऑन एवरेज 7 महीनों का समय लगता है। 7 महीने तक एक रॉकेट में बंद रहने की वजह से किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर वह किसी तरह मंगल पर पहुंच भी जाता है तो वहां के खतरनाक वातावरण को झेलना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जापान के रिसर्चर्स ने इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। पिछले 10 सालों में स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी फेमस हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अंतरिक्ष में भी जाने लगे हैं। जहां फिलहाल स्पेस ट्रैवलिंग के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं एक जापानी कंपनी ट्रेन की मदद से टूरिस्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काजिमा कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी के साथ ऐसी ट्रेन बनाने में लगे हुए हैं जो स्पेस ट्रैवलिंग को मुमकिन बना पाए। इस इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हेक्सा ट्रैक नाम दिया गया है। जापान की इस स्पेस ट्रेन को चांद और मंगल तक जाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी क्रिएट की जाएगी ताकि पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत ना हो। यह हेक्सागोनल ट्रेन एक कैप्सूल के अंदर बंद रहेगी, जिसे हेक्सा कैप्सूल कहा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन के हेक्सागोनल होने का मतलब है कि उसके हर एक डिब्बे में 6 साइड्स होंगी। जिस तरह से एक क्यूबॉइड में 4 साइड होती हैं, वैसे ही एक हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। इस ट्रेन के रुकने के लिए चांद और मंगल पर ट्रेन स्टेशन भी बनाए जाएंगे। मार्स का ट्रेन स्टेशन उसके चांद फोबोस पर मौजूद होगा, जिसे स्टडी करने के लिए जापान एक स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च करने वाला है। 2026 में जाक्सा MMEX यानी मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा, जिसका काम मार्शियन मून्स को स्टडी करना होगा। यह स्पेस ट्रेन का आइडिया बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बताते हैं कि हेक्सा कैप्सूल के आउटर ग्लास को बनाने में ही उन्हें 2050 तक का समय लग जाएगा। इससे स्पेस ट्रेन को कंप्लीट होने में करीब 80-90 सालों का समय लगेगा, यानी इसके जरिए स्पेस ट्रैवलिंग अगली सेंचुरी में ही पॉसिबल हो पाएगी। कुछ महीने पहले भारत ने भी अपने स्पेस ट्रैवलिंग प्रोग्राम के बारे में अनाउंसमेंट की थी। इसरो के मुताबिक स्पेस टूरिज्म के लिए पर पर्सन करीब 6 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, जो एक एवरेज इंसान की स्पेंडिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। मात्र एक हफ्ते पहले ही इसरो ने पुष्पक विमान रॉकेट की टेस्टिंग की थी। यह रॉकेट स्पेशली स्पेस टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया है और खास बात यह है कि इसे रीयूज भी किया जा सकता है। जहां एक नॉर्मल रॉकेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद बेकार हो जाता है, वहीं भारत का पुष्पक विमान पृथ्वी पर वापस आने में भी सक्षम होगा। इससे ओवरऑल मिशन का खर्चा घटेगा और स्पेस टूरिज्म नॉर्मल लोगों के लिए भी अफोर्डेबल बन पाएगा। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की नई तस्वीर। ब्रह्मांड में मौजूद हर आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है, जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया था। यह पहली बार था जब हम ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को एक कैमरे के लेंस में कैप्चर कर पाए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कैमरे असल में रेडियो टेलीस्कोप्स थे। दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद यह टेलीस्कोप्स ब्लैक होल से आने वाले सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे थे। अंत में उस सारे डेटा को कंबाइन करने के बाद एक तस्वीर का निर्माण किया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लैक होल की इस पहली तस्वीर के बाद वैज्ञानिक ऐसी ही कई तस्वीरों को कैप्चर कर चुके हैं। इनमें से एक तस्वीर तो मात्र कुछ दिन पहले ही पब्लिक की गई है,
हैरानी वाली बात ये है कि इसमें ब्लैक होल के साथ साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी देखा जा सकता है। एक मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मूव करने की वजह से फॉर्म होती है। नासा द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर में सजिटेरियस ए की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता है। यह ब्लैक होल हमारी ही आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है और इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। इससे पहले नासा ने M87 नाम की गैलेक्सी के ब्लैक होल को कैप्चर किया था, जहां सजिटेरियस का द्रव्यमान मात्र 40 लाख सोलर मास है, वहीं M87 ब्लैक होल का द्रव्यमान 6 बिलियन सोलर मासेस है। इसके सामने हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल कुछ भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक साइंटिस्ट सारा इसोन बताती हैं कि द्रव्यमान में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद इन दोनों ब्लैक होल्स की फोटोज में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर M87 और सजिटेरियस की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किया जाए तो साइज के अलावा इनमें कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स कितना यूनिफॉर्म है। सारा बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करने से हमें इन विशाल वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में बहुत यूजफुल जानकारी मिलती है। वैक्यूम क्लीनर से उनका मतलब ब्लैक होल से है, जो अपने आसपास मौजूद हर ऑब्जेक्ट को अंदर खींच लेते हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि प्रकाश भी इनसे बचकर नहीं निकल पाता। यूरोपीय साइंटिस्ट्स ने ढूंढे शिव शक्ति के अवशेष। हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत शिव और शक्ति के आपस में मिलने की वजह से हुई थी। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने दो ऐसी चीजों की डिस्कवरी की है, जिनके मिलने से हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। आज से करीब 12-13 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे की जगह दो अलग अलग गैलेक्सीज मौजूद हुआ करती थी। इन दोनों गैलेक्सीज के आपस में टकराने और कम्बाइन होने की वजह से ही हमारी मिल्की वे का निर्माण हो पाया था। ESA की एक एस्ट्रोनॉमर ख्याति मल्हान ने काफी सालों की रिसर्च के बाद उन गैलेक्सीज के फॉसिल्स को ढूंढ निकाला है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप इन्हें येलो और ब्लू कलर में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ख्याति ने इन फॉसिल्स का नाम शिवा और शक्ति के नाम पर रखा है। यह दोनों स्टार क्लस्टर्स मिल्की वे के सेंटर से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। ख्याति बताती हैं कि जिस तरह से शिव और शक्ति के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, वैसे ही इन दोनों स्टार क्लस्टर्स के मिलने से हमारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। इस रिसर्च के चीफ साइंटिस्ट बताते हैं कि शिव और शक्ति को स्टडी करने से उन्हें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में जानकारी मिलेगी। यह हम भारतवासियों के लिए भी एक गर्व की बात है कि इन क्लस्टर्स का नाम सनातन धर्म से लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप ये बताएं कि मंगल से चांद के बीच चलने वाली ट्रेन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ आकर्षित करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।